चौथा वार्षिक भंडारा उत्सव पुरुषोत्तम लाल राम कुमार जैन चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से किया गया। भंडारा का यह कार्यक्रम मलाड पश्चिम हनुमान मंदिर के बगल में चिंचोली रोड पर किया गया। इस संस्था के अध्यक्ष प्रदीप जैन जी हैं, जो समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी एक पहचान बना चुके हैं। प्रदीप जैन अपने इलाके में समाज सेवा करने का एक भी मौका अपने हाथों से जाने नहीं देते। वो पिछले 4 साल से लगातार इसी जगह पर भंडारा करते हैं। इस भंडारे की विशेषता यह है कि इसमें खाने की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस बार के भंडारे में स्वादिष्ट पूरी सब्जी, छोले और खीर सभी आने वालों को बड़ी आस्था और स्नेह के साथ खिलाई गई। प्रदीप जैन कहते हैं कि वो ये काम दिल और लगन से करते हैं। ओम साई राम। मेरा नाम पुरुषोत्तम जैन है। मैं यहाँ पे आज 4 साल से यहाँ पे खाने खिला रहा हूँ, जो कि मैं हर गुरुवार को मैं यहाँ पे खाने खिला रहा हूँ। हर गुरुवार को ही खिचड़ी खिला रहा हूँ। वो जो साल में एक बार होएगा, उसके हिसाब से मैं बड़ा महाप्रसाद कर रहा हूँ। आज 20 मार्च 2014 में ये चालू किया मैं खाना खिलाने का। आज से अधिक 20 मार्च 2011 में आज पूरा 4 साल हुआ है। यहाँ मेरे साहिब सपने में आए। उन्होंने मेरे सपने में ये बोला कि यहाँ पे गरीबों को खाना खिलाइए। उसके मैं मन में लिया कि मैं हर गुरु को खाना खिलाऊंगा। वो मैं यहाँ पे सबको बुलाया हुआ, मैंने सबको फोन किया, फेसबुक सब डाला हुआ है मैंने। वो आपका सबका आशीर्वाद है कि आपने मुझे इतना सपोर्ट करे। यहाँ पर यहाँ के PFC वाले, पुलिस वाले, यहाँ के आजू वाले सब है, यहाँ के फूल वाले सब मेरे यहाँ पे सब साथ किया हुआ उन्होंने। आमतौर पर ये भंडारा हर गुरुवार के दिन होता है, लेकिन इस बार 20 मार्च को मंगलवार के दिन इसका आयोजन किया गया, क्योंकि 4 साल पहले इसी दिन से इस भंडारे की शुरुआत की गई थी। प्रदीप जैन जी बीच में कुछ समय के लिए बीमार थे, उस समय भी उनके साथियों ने भंडारे का कार्यक्रम जारी रखा। भंडारा करने का तात्पर्य यही है कि वर्ष में एक बार कम से कम ऐसे लोगों के साथ हम मिले, ऐसे लोगों को खाना खिलाएं, एक ग्रेड का खाना दें और इनके साथ मिलकर एक नई अनुभूति लें। ऐसा करते हुए पिछले 4 साल से पूरा भंडारे की व्यवस्था मैं करता हूँ। प्रदीप कुमार जी जैन ने ये पुरुषोत्तम लाल जी फर्म, राम कुमार जी फर्म का जो ये कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं और हमारे कजिन ब्रदर भी हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और 4 साल से कंटिन्यूस 4 साल से हर गुरुवार को वो लोगों को खाना खिला रहे हैं। इतना अच्छा सुकून महसूस होता है। मैं भी कभी कभी गुरुवार को आता हूँ, मतलब इतना अच्छा लगता है, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। जी, मैं हर गुरुवार को भंडारे में आती हूँ। प्रदीप जैन भंडारा करता है। आज 4 साल पूरा हो रहा है जी। बहुत पब्लिक आई हुई है, बहुत आनंद आ रहा है और अच्छा लग रहा है। अच्छा, न्यूज अगले साल डबल हो गया, इससे अच्छा होना चाहिए। तो आप कैसे आए हैं यहाँ पे आज? आप कैसे आए हैं यहाँ पे? साईं बाबा की कृपा हो गई, आ गए। साईं बाबा का इन्विटेशन हुआ है, आए हम। आप कब से आ रहे हैं इधर भंडारे में? 4 साल से आप भंडारे में आ रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, बाबा का भंडारा है, साईं बाबा। आप यहाँ पे हर गुरुवार को आते हैं जो ये भंडारा? हर गुरुवार को आते हैं। अच्छा, आज आप यहाँ पे क्यों आए हैं? खाना खाने, भंडारा खाने, साईं बाबा का प्रसाद। हर गुरुवार को आते हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? अभी अच्छा लग रहा है। खाना वाना भंडारा कैसा है? भंडारा अच्छा लग रहा है। जी जी, शुक्रिया। भंडारा दिन के 12 बजे से शुरू होकर 4 बजे तक चलता रहा। इस बार करीब 2,500 से 3,000 लोगों ने भंडारे का लाभ उठाया। राज बिंद्रा के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज, मुंबई।